हाय दोस्तों, मैं मनोज सर, पीसीएस प्रैक्टिस सेट, पीसीएस 2024। तो देखिए दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है, तो आज 2017 का प्रैक्टिस सेट मैं कराने जा रहा हूं दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या है कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगण्य शब्द संदर्भित है। तो किसके लिए है दोस्तों? अगण्य गाय के लिए है। तो देखिए, ऋग्वेद में गायों के लिए अगण्य मतलब न मारने योग्य शब्द मिलता है, और एल बासन के अनुसार इस शब्द से गाय की आर्थिक महत्ता सूचित होती है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में गायें ही विनिमय का माध्यम थी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो कन्हेरी मिलता है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र की मुंबई में स्थित बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। इन गुफाओं का निर्माण प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में किया गया है। यहाँ स्थित एक गुफा में 11 सिरों वाले बोधिसत्व का अंकन मिलता है। कुछ स्रोतों में इस गुफा का कालक्रम प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी ईस्वी में दिया गया। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, यहाँ पश्चिमी गोदावरी जिले के गुट्टुनपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और बिहार चट्टानों को काटकर बनाया गया है, ये सही है। पूर्वी दक्कन में चैत्य और बिहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाया गया, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में अवस्थिति गंटुपल्ली में 4थी सती ईसा पूर्व में 6ठी शताब्दी ईस्वी तक चैत्य एवं बिहारों के निर्माण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यह बौद्ध धर्म से संबंधित एवं प्रमुख पर्यटक स्थल है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, तीर्थ का सूची वन सूची दो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आदिनाथ, आदिनाथ क्या है? वृषभ है। मल्लिनाथ क्या है? जल कलश है। पार्श्वनाथ क्या है? सर्प। संभवनाथ क्या है? अश्व। अगला देखिए, बराबर पहाड़ियों की गुफाओं के विषय में निम्न में कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए, कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो ये बराबर की पहाड़ियों पर कुल 4 गुफाएं हैं सही है। 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। अगला देखिए सी क्या है, ये अभिलेख इन गुफाओं की आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करता है, ये भी सही है। ये अभिलेख ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में, ये गलत है दोस्तों, ये क्या है, गलत। अगला देखिए, बिहार के जहानाबाद के जिले में बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं स्थित है, जिनमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। इनमें से अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं की निवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है। इन गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित है। अगला देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है। तो देखिए कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा बी। तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए राजस्थान है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इनमें मस्त महाजनपद आधुनिक राजस्थान में स्थित है। मस्त महाजनपद की राजधानी विराट नगर थी। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि सूची वन सूची दो। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि गंधार कला का कुषाण है। जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन फर्स्ट है। मिलिंदी पाहो क्या है, मिनाइंडर है। और तजशिला लेख क्या है, पथिक है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो क्या है, हल की संख्या है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, जेएन सरकार की औरंगजेब की इतिहास में पृष्ठ संख्या 190 पर यह उल्लेख है कि अकबर के शासनकाल में उत्तर भारत में दीवान टोडरमल द्वारा भू राजस्व वसूली की व्यवस्थित पद्धति स्थापित की गई है, लेकिन दक्कन में इस प्रकार की व्यवस्थित पद्धति का अभाव था। इस दौरान दक्कन के किसान प्रति हल के आधार पर राज्य को भू राजस्व के भुगतान करते थे। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, निम्न विदेशी यात्रियों में किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो फ्रांसिस्को पलसर्ट है दोस्तों। अगला देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया के अधिकारी फ्रांसिस्को पलसर्ट का जन्म एंटर्फ बेल्जियम में हुआ था। 1618 ईस्वी में कंपनी की व्यावसायिक सेवा में पूर्व के लिए रवाना हुआ तथा भारत में एक कनिष्ठ व्यापारी के रूप में नियुक्ति हुई। मसूलीपट्टनम से थल मार्ग द्वारा सूरत की यात्रा के पश्चात उसे आगरा भेजा गया था, जहां 7 वर्षों तक 1626 ईस्वी में उसने मुगल साम्राज्य पर एक लेख लिखा था, जिसका अनुवाद W.M.
मोरलैंडा और तथा पी गेल द्वारा अनुवादित किया गया था। इसे जहांगीर का भारत के रूप में प्रकाशित किया गया। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, जौनपुर राज का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, हुसैन शाह था। कौन था? हुसैन शाह। अगला देखिए, जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था। 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्ष तक स्वतंत्रतापूर्वक शासन किया, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित करके जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। जौनपुर को पूर्व भारत का सिराज कहा जाता। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 1303 में काकती शासकों की सेना ने निम्न में किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में वारंगल पर पहला आक्रमण 1303 ईस्वी में किया गया था। यह आक्रमण फकरुद्दीन जूना और मलिक छज्जू के नेतृत्व में किया था, परंतु यह आक्रमण विफल हुआ और काकती शासक प्रताप रुद्रदेव ने मुसलमानों को परास्त करके अव्यवस्थित रूप से वापस लौटने के लिए बाध्य किया। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए देखिए, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, ये सही है। आर देखिए, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, ये भी सही है। तो ए आर दोनों सही है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए कि बहिगमन तथा निकासी की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति और माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक वाणिज्यिक का प्रतिलाभ नहीं था। इसी दौरान आयात की तुलना में अधिक निर्यात होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के धन निष्कासन के स्रोत थे व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त लाभ, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन व पेंशन, कंपनी के निवेशकों को दिया जाने वाला लाभांश आदि। कंपनी द्वारा जो पैसा इंग्लैंड भेजा जाता था वह पैसा पुनः भारत में विदेशी ऋण तथा पूंजी निवेश के रूप में प्राप्त होता था, परंतु इस पूंजी के निवेश का उद्देश्य देश का विकास नहीं बल्कि भारतीय साधनों का आधिकारिक शोषण था। 1813 के पश्चात इस आर्थिक निकास ने अप्रतिफल निर्यात का रूप धारण कर लिया था। वर्ष 1914 के पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी के निवेश केवल उन आर्थिक उपसाधनों में लगाए गए थे जैसे रेलवे, सड़क, व्यापारिक जहाज तथा खनिज उद्योग एवं वित्तीय संस्थानों में, जो अंग्रेजी उद्योग के लिए अनुपूरक था और इनमें भारतीय औद्योगिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं था। दादा भाई नौरोजी ने धन के निकास को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी और भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हेक्टर मुनरो क्या है, बक्सर का युद्ध है, लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या है, आंग्ल नेपाली युद्ध है, लॉर्ड बेलेजली क्या है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है, लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है। तो डी सही नहीं है। अंग्रेजों तथा मराठों के मध्य 3 युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82 के समय में वारेन हेस्टिंग कंपनी का गवर्नर जनरल था और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803-5 ईस्वी के समय लॉर्ड बेलेजली गवर्नर जनरल था। तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध 1817-1818 के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। अगला देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि पाबना विद्रोह क्या है, 1873-76 दक्कन किसान विद्रोह क्या है, 1875 सन्यासी विद्रोह क्या है, 1763-1800 कोल विद्रोह क्या है, 1831-32। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ भी क्या है कि निम्नलिखित में किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था, तो राजा राम मोहन राय। अगला देखिए, 1826 में जूरी एक्ट पारित किया गया था जिसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि हिंदू और मुसलमानों के मामलों की सुनवाई किसी यूरोपीय अथवा भारतीय ईसाई जजों द्वारा तो की जा सकती थी, किंतु किसी भी ईसाई चाहे वह यूरोपीय हो अथवा भारतीय की सुनवाई किसी हिंदू और मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती थी। राजा राम मोहन राय ने इस भेदभाव का जोरदार तरीके से विरोध किया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में किन स्थानों पर डच ने अपने व्यापारिक अड्डे को स्थापित किया था, तो नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम सही है, सूरत, भरूच, आगरा सही है, कोचीन, अहमदाबाद, पटना सही है, उपयुक्त में से सभी। अगला देखिए दोस्तों, भारत में डचों द्वारा स्थापित व्यापारिक केंद्र नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना आदि थे। अगला देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था, दोस्तों थे एम एन जिन्ना। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, नवंबर 1923 में विधान परिषदों के चुनाव में हुई सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई थी। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में
उभरे और बंबई तथा संयुक्त प्रांत में इन्हें अच्छी सफलता मिली। अगला देखिए, मद्रास पंजाब में जातिवाद सांप्रदायिकता की लहर के कारण इन्हें खास सफलता नहीं मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया और जिसमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक उदारवादी व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय आदि शामिल थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना किया था? तो 1905 में किया था। कब किया था? 1905। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक तरीके से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल में श्रीनिवास शास्त्री जी के देवधर और एनएम जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक तैयार किए। एमसी सीतलवाड़ा, बीएन राव तथा अल्लादी कृष्ण अरे कृष्णा स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो डी है 1942। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता बलिया और तामलुक सतारा सहित देश के कई स्थानों पर समांतर सरकारों की स्थापना रही। दिसंबर 1942 में तत्कालीन बंगाल के मिदनापुर जिले में गठित जाति सरकार अगस्त 1944 तक चली। इस सरकार ने तूफान पीड़ितों के लिए सहायता कार्यक्रम प्रारंभ की, स्कूलों को अनुदान दिए, धनी लोग का अतिरिक्त धन गरीबी में बांटा तथा एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन और एच जी वेल्स, हैरोल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणी की थी? तो सी क्या है, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। अगला देखिए, वर्ष 1929-33 के बीच हुए मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इसी की समस्त संसार में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टीन, एच जी वेल्स, हैरोल्ड लास्की और रोमालो तथा रूजवेल्ट ने इसकी आलोचना की। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम का बताइए। तो इसमें क्या है, चंपारण सत्याग्रह, फिर इसके बाद क्या है, अहमदाबाद मीर हड़ताल, फिर इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद देखिए खेड़ा आंदोलन, फिर इसके बाद रॉलेट एक्ट। तो इसमें क्या सही है, 1, 2, 4, 3, 1। अगला देखिए दोस्तों, इन चारों घटनाओं को महात्मा गांधी 1915 के बाद, जिसमें गांधी जी से जुड़े रहे, जबरन नील की खेती के विरोध में चंपारण 1917 में और 1918 में अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों के प्लेग बोनस विवाद के चलते अहमदाबाद मिल हड़ताल तथा उसके बाद किसानों की फसल बर्बादी के बाद लगान वसूलने के विरोध में खेड़ा सत्याग्रह तथा वर्ष 1919 में क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए बनाया गया रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह में गांधी जी की सक्रिय भूमिका रही। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ संस्थान है, यहाँ शहर है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका आरू यारू में आया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, वन अनुसंधान कहाँ है, देहरादून में है। भारतीय चरागाह झांसी में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, अगर शुष्क क्षेत्र की बात पूछा जाएगा तो जोधपुर, और भारतीय कृषि अनुसंधान पूछा जाएगा तो नई दिल्ली। अगर भारतीय कृषि अनुसंधान पूछा जाएगा तो नई दिल्ली दोस्तों। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बोमडिला दर्रा कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा मेघालय में, सिक्किम में है दोस्तों, तो यही गलत है। और जो जिला कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। अगला देखिए, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, और जो जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 52 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, जो चीन क्षेत्र में तिब्बती पठार की चुंबी घाटी में खुलता है। अगला देखिए, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह क्या है दोस्तों? पारादीप है। क्या है? पारादीप। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि निम्न में कौन सा विशालतम हिमनद है? तो विशालतम हिमनद क्या है? सियाचिन है। क्या है दोस्तों? सियाचिन। अगला देखिए कि निम्नलिखित लोहा और इस्पात कारखानों में कौन से कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है दोस्तों? तो सलेम है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखिए, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, और क्या है, झारखंड है। तो 1, 2, 4 सही है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। तो इसमें देखिए, गारो, खासी, जयंतिया, नागा। तो इसमें सी सही है दोस्तों। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, इसका हम व्याख्या पढ़ दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है, इदुक्की ताप विद्युत केंद्र नहीं है। इदुक्की ताप विद्युत केंद्र नहीं, बल्कि यह जल विद्युत परियोजना है जो केरल में इदुक्की जिलों में पेरियार नदी पर अवस्थित है। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में अवस्थित है। घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना और
रामगंगा बहुदेशी नदी घाटी परियोजना है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, दूध सागर। दूध सागर कहाँ है, मांडवी में, कर्नाटक और गोवा की सीमा पे है। डुडुमा कहाँ है, मंचकुंड कोराकटपुर उड़ीसा में है। गोकक कहाँ है दोस्तों, घाट प्रभा बेलगाम कर्नाटक में। जोगा कहाँ है, सरावती कर्नाटक में। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित शैलक्रम में कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है, तो गोंडवाना क्रम। अगला देखिए, गोंडवाना कोयला तीन भूवैज्ञानिक शैल समूह अथवा कहरबारिस, बराकर और रानीगंज से संबंधित है। देश के 90% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन में गोंडवाना कोयले का योगदान है। गोंडवाना तंत्र का प्रमुख कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र और सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, कानन घाटी और एक पेंच घाटी कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र और राजमहल कोयला क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में है, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण बड़ा कोयला क्षेत्र है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट कुमारी में है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान वाल्तेरी है, उत्तर पूर्वी भारत झूम है, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ डहरिया में है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि बालको, बालको क्या है, कोरबा छत्तीसगढ़ में, हिंडालको क्या है, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कहाँ, हीराकुंड उड़ीसा में, नालको कहाँ, कोरापुट उड़ीसा में है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल की नमी पर, तो देखिए वायुमंडल में नमी की मात्रा वर्षा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा बूंदाबांदी वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी बढ़ जाती है। अधोलिखित में कौन सा शीत महासागर नहीं है दोस्तों, तो डी है अगुलहास नहीं है। अगुलहास क्या है, हिंद दक्षिणी हिंद महासागर से उत्तर दक्षिण में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। कनारी क्या है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी पश्चिमी के पश्चिम तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। पेरुबियन धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं, यह दक्षिणी अमेरिका की पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। आयूसियो धारा बेरिंग जल संधि से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा है, जिसके कारण आर्कटिक सागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में पहुंचता है। यह धारा क्यूराइल द्वीप समूह के निकट से होकर प्रवाहित होती है, तो इसे क्यूराइल धारा भी कहते हैं। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है, तो एबरडीन कहा जाता है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में किस देश समूह की सीमा इसराइल से लगी हुई है, तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा पठार है, तो कोलोरेडो का पठार है। क्या है, कोलोरेडो का पठार। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, लाल सागर एक उदाहरण है, तो अच्छी द्रोड़ी का है। क्या है, अच्छी द्रोड़ी का। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, खारतूम सूडान नील में है और ब्राजवेले कांगो जैरी कांगो नदी में है। राटरडम क्या है, राइन नदी में। पेरिस क्या है, सेन नदी में। निम्नलिखित में कौन सी नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है, तो लुंडबिंग्स नहर। क्या है दोस्तों, लुंडबिंग्स नहर। अगला देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता क्या है, फेजेंडा है। क्या दोस्तों, फेजेंडा। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है कि ब्राजील में फेजेंडा एक प्रकार का बागान होता है जहाँ कहवा का उत्पादन किया जाता है। ब्राजील कहवा का उत्पादन दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में किया जाता है। औपनिवेशिक काल में ब्राजील के उत्तरी पूर्वी फेजेंडा के चीनी उत्पादन है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, तो देखिए गिनी बिसाऊ बिसाऊ है, ताइवान का ताइपेई है, निकारागुआ का मानागुआ है, मालदीव का मालाबो गलत है दोस्तों, ये डी गलत। अगला देखिए यहाँ पर पर्यावरण से क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हवा में तैरती हुई श्वसनी सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से कम होता है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, बिल्कुल सही है। मौसम की चरम दशा की बारंबारता और तीव्रता से भी खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे, ये भी सही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए जलवायु परिवर्तन से संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। वन, चरागाह, कृषि भूमि, नदी जल, भूमि जल आदि संसाधनों को लेकर तनाव तथा आपदा की स्थिति, प्रवसन को लेकर संघर्ष आदि के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं, जो जलवायु परिवर्तन को सामाजिक तनाव में वृद्धि करने वाला एक प्रमुख कारक सिद्ध करते हैं। अनेक अध्ययन जलवायु परिवर्तन का कृषि एवं वानिकी के उत्पादन उत्पादकता दोनों पर गंभीर दुष्परिणाम की पुष्टि करते हैं। भविष्य में और जटिल स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। मौसम की चरम दशाओं की बारंबारता से कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावित होता है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा का प्रश्न खड़ा होता है। खाद्य असुरक्षा की स्थिति में अनावश्यक खाद्य संग्रहक तथा खाद्यान्न संसाधनों पर बलपूर्वक नियंत्रक की प्रवृत्ति का विकास होता है, जो अंततः सामाजिक तनाव को जन्म देता है। अंततः
खाद्य सुरक्षा को भी सामाजिक तनाव का एक प्रमुख कारक है। इस तरह कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण और कथन सही व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में स्थापित प्राथमिक राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अगला देखिए, अधोलिखित में कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो देखिए, जनसंख्या है, समुदाय है, पारिस्थितिक तंत्र है, भूदृश्य है। तो इसमें क्या सही है? सी सही है दोस्तों, जनसंख्या है, समुदाय है, पारिस्थितिक तंत्र है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में कौन सा तंत्र सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑटोमोबाइल, ये गलत है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड, जलमग्न धान के खेत में, सल्फर डाइऑक्साइड, ईंट के भट्ठे। अगला देखिए, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल क्या है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, क्वेश्चन कई बार आया है, पारा से क्या होता है? मिनी माता होता है। पारा से क्या होता है? मिनी माता होता है। और देखिए, कैडमियम से क्या होता है? इटाई इटाई बीमारी होती है। और सी से नाइट्रेट आयन क्या? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। फ्लोराइड आयन से अपची। तो ये गलत दोस्तों, ये क्वेश्चन इस बार आरओ यारओ में भी आया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में किसी वायुमंडल की प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो 0.003। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सही सुमेलित नहीं है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई, ये गलत है दोस्तों, और ओजोन दिवस 16 सितंबर, ये भी सही है। अगला देखिए दोस्तों, जैव विविधता की अधिकतम संकट क्या है दोस्तों? प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जलवायु परिवर्तन की प्रमुख कारक है? तो देखिए, कौन सा कारक है? जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन। दूसरा क्या है? तैल चलित स्वचालित की संख्या विस्फोटक, ये भी सही है। और अत्यधिक वनोन्मूलन, ये भी सही है। तो बी क्या है? 1, 2, 4। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, नील हरी शैवाल धान है दोस्तों, राइजोबियम और लेग्यूमिनेसस मटर है, एजोबैक्टर क्या है? गेहूं है, एजोला क्या है? मक्का नहीं है दोस्तों, गलत है ये। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में किस पारिस्थितिक तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया है? तो बी क्या है? 1980। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, सूची वन सूची दो, उष्ण कटिबंधी वन, साइलेंट वैली, शंकु वृक्ष वन, हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति, सुंदर वन, पतझड़, राजस्थान। अगला देखिए, राष्ट्रीय झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1996 में हुई थी। कब हुई थी? 1996 में। अगला देखिए, निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? तो हाइड्रोजन करेगा। क्या है? हाइड्रोजन। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आया था। तो देखिए, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाली 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्चा कितनी होगी? तो 10 यूनिट होगी। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, 100 × 20/1000, तो 2 यूनिट होगी। अगला देखिए, यहाँ पर क्या है कि यदि 100 ग्राम चीनी को यदि 100 ग्राम चीनी का आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो आयतन। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, मोबाइल चार्जर क्या होता है दोस्तों? एक अपचयी ट्रांसफर होता है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। तो बी क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला देखिए, यहाँ पर क्या है कि टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करता है। तो देखिए, इसमें क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 सही है। इसमें क्या है? 1, 2, 3। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो रेशम है दोस्तों। क्या है? रेशम। अगला देखिए, यूरिया, यूरिया क्या है दोस्तों? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है कि LPG सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है दोस्तों? तो इथाइल मरकैप्टन। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो गीदड़। अगला देखिए, यहाँ पर फलों की मीठी का स्वाद का कारण क्या है? फ्रक्टोज है दोस्तों। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण है, मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण है, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निष्करण है, और गैस्ट्रीन रक्तचाप का नियमन, ये गलत है दोस्तों। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है दोस्तों, कथन ए और आर, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, सही है।
और मानव शरीर में स्टार्च अपघटन एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है, ये भी सही है। तो बी ई आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं है, तो मस्तिष्क है दोस्तों। अगला देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सा होता है, गेंगा। निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है, तो टार्टेरिक अम्ल। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है, तो चींटी होता है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में किसका पाचन प्रभावित करता है, तो वसा का करता है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है, तो रतौंधी अनुवांशिक नहीं है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो देखिए विटामिन B12 प्रतिअरक्ता कारक सही है, विटामिन C प्रतिस्कर्वी कारक सही है, विटामिन D ये गलत है दोस्तों, C। और विटामिन K क्या है, प्रतिस्पर्धा कारक। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है, उत्पादन स्रोत अफीम का क्या है, फल है, हींग का क्या है, जड़ है, रबड़ का क्या है, तना है, कुनैन का क्या है, छाल है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो डॉपलर प्रभाव से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता ट्रैक किया जाता है, तो डॉपलर प्रभाव से। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि लोकसभा की अधिवेशन गठित करनी है, तो गणपूर्ति कितनी है, तो बी है। देखिए सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे सूची 1 सूची 2, तो इसकी व्याख्या मैं पढ़ दे रहा हूँ। तो देखिए न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति परिसीमन 38वां संविधान संशोधन 1975, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया गया 61वां संविधान संशोधन, उद्देशिका में पथ निरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया है। अगला देखिए, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच निम्नलिखित में कौन सा कथन समान है दोस्तों, तो देखिए अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, गलत है, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, ये भी गलत है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति, ये सही है, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, ये भी गलत है, तो ये सही है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना किसको प्राप्त है दोस्तों, राज्यों की संघ, तो राज्यों की संघ किसको है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कथन ए और आर है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, भारतीय संविधान में कुछ आधार की वस्तुएं हैं, तो बी सही है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में कौन सी सरकारी आयोग का सदस्य था, Dr. S.R. Senan। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर राज्यसभा की सीटों की संख्या है, गुजरात में देखिए 11 है, गुजरात में कितना है 11, कर्नाटक में कितना है 12, केरल में कितना है 9, उड़ीसा में कितना है 10। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे कथन ए और आर, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता, बिल्कुल सही है, आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, ये गलत है दोस्तों, ये क्या है गलत, इसकी व्याख्या हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। अब देखिए, आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु उन मानदंडों का एक समूह है जो उनके आचरण और व्यवहार को नियंत्रित करता है, और यह राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित किया जाता है और उन पर बाध्यकारी होता है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित किया जाता है, और यह निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथियों की घोषणा संबंधी प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के समय से लागू होती है तथा चुनाव पूरे होने तक प्रभावी रहती है। तो इसमें देखिए दोस्तों, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था, 1952 में हुआ था, कब हुआ था 1952 में। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत कौन किया है, राष्ट्रपति करता है, किस आर्टिकल के तहत, 263 के तहत। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, नीति निमोदन प्रस्ताव बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर देना, मित व्यता प्रस्ताव बजट की मांग से 1 निर्दिष्ट राशि घटा दिया जाता है, सांकेतिक प्रस्ताव बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाए, लेखानुदान बजट मांगों की पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, ये गलत है दोस्तों, डी गलत है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में क्या उपयोगिता है दोस्तों, तो इसमें देखिए संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप सही है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ये गलत है दोस्तों। संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रतिरूप, ये सही है। तो 1, 2, 4 सही है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है,
प्रोटीम स्पीकर सामान्यतः किससे नियुक्त किया जाता है? तो सी देखिए, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से एक को। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो देखिए डी है दोस्तों, मृत्युदंड। क्या है दोस्तों? मृत्युदंड है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यह एक संवैधानिक संस्था है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, और इसको मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि इसकी व्याख्या जरूरी है। क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक निकाय है। क्षेत्रीय परिषद क्या है? एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक संस्था, जिसका गठन राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए राज्य पुनर्गठन 1956 के तहत किया गया था। और इसकी संख्या 5 है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। चंडीगढ़ राज्य न होते हुए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। इसके अतिरिक्त दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमन दीव, पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र होते हुए भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए हैं। इन क्षेत्रीय परिषदों का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में आपसी हित के मामलों पर चर्चा तथा सिफारिश किया गया है। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। बिल्कुल सही है, भारत अपना एक संविधान है। ये गलत है दोस्तों। तो सी क्या है और बी सही है। देखिए भारत अपना एक संविधान, ये भी सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करती। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में कौन संसद की सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है दोस्तों? तो सी, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। तो इसमें देखिए राज्यपाल का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं, गलत है दोस्तों। अगला देखिए उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार, ये भी सही है। तो बी सही है, 1 और 3। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधिक निर्मित करने का अधिकार दिया गया और प्रवृत्त रहेगा, तो क्या है? 1 वर्ष से अधिक। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको मैं एक अलग से करा दूंगा दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन आपका पूरा है। तो अब देखिए दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।